हाँ तो दोस्तों, अगर आप बीपीएससी 67वीं का फॉर्म भर चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इतने कम समय में तैयारी कैसे करें, क्योंकि अगर जनवरी में भी एग्ज़ाम होगा तो 2 माह से ज़्यादा समय नहीं है। इस समय आपको सही रणनीति की आवश्यकता होती है और इसी के मद्देनज़र हम करेंट अफेयर का सीरीज आरम्भ करेंगे। जो स्टूडेंट कुछ भी करेंट अफेयर नहीं देखे हैं, वो भी इसे देखने के बाद अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बस आपको जो है उसे देखना है। क्या करना है? बस आपको जो है सिर्फ देखना है। मार्केट में जो भी करेंट अफेयर है, वो जो है सभी एग्ज़ाम को देखते हुए बनाते हैं। उपयोगी है, लेकिन कंटेंट ज़्यादा है, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो भी कंटेंट होगा, एकदम मिनिमम और बीपीएससी के तर्ज पर, जो कि 99% जो है उपयोगी होगा। थंबनेल पर आप देखे ही होंगे, थंबनेल पर जो भी लिखा है और जितना नंबर लिखा है वो मैच करेगा आपके एग्ज़ाम में। जैसे अगर हम बात करें कि खेल का वीडियो, तो खेल का वीडियो जो है 4 वीडियो आएगा, उसमें आपको चारों वीडियो में से क्वेश्चन निश्चित ही आना है। वैसे अगर पुरस्कार की बात करें तो 3 वीडियो आएगा और तीनों वीडियो से जो है आपको जो 3 क्वेश्चन तो निश्चित ही आएगा। इसी तरह अगर बात करें तो 20 से 24 वीडियो जो है बनेगा और लगभग जो है सभी से जो है एक जो है क्वेश्चन तो मिनिमम जो है आना ही आना है। अगर आपको हिस्ट्री, साइंस और पॉलिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि क्या पढ़ना है, तो आपको जो है चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो में जाना पड़ेगा और वीडियो में जो भी वीडियो है आप उसे देखिए। प्रत्येक टॉपिक का जो है 3-3 जो है वीडियो बनाया गया है। तो ज़्यादा ना देर करते हुए चलते हैं, आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि खेल से रिलेटेड है। कौन सा टॉपिक है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020। हालांकि ये जो है 2021 में हुआ है, लेकिन इसे जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 से ही जो है जाना जाएगा। और यहाँ से जो है एक क्वेश्चन जो है निश्चित ही आएगा। हमेशा जो यहाँ से क्वेश्चन आया है, जब जब जो है ओलंपिक का खेल हुआ है, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है निश्चित है कि आया हुआ है। तो इसको जो आपको हल्के में नहीं लेना है, आपको सीरियसली जो है ओलंपिक जो है आपको देख ही लेना है। देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 जो है, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकता है वो है कि इसमें जो है इसका जो संकेत जो है टोक्यो ओलंपिक का जो भी सिंबल था उसमें जो है कुल जो है छल्लों की संख्या कितनी थी। तो इसमें जो है कुल छल्लों की संख्या जो है 5 थी। कितनी? तो 5। और पहला हरा रंग का, दूसरा लाल रंग का, तीसरा काला रंग का, चौथा जो है ब्लू रंग का और एक जो है पीला रंग। तो कितना हो गया? 5 हो गया। अब बात करें कि यह जो है किन चीज़ों को दर्शाता है, ये जो है छल्ले जो है, ये जो संकेत जो है, ये किन चीज़ों को? तो यह जो है 5 महाद्वीप की जो है एकता को जो है यह क्या करता है? प्रदर्शित करता है। अभी हम टोक्यो ओलंपिक की ओर बढ़े, उससे पहले जो है हम कुछ ऐतिहासिक बातें जो है देख लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या? तो प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो प्रथम ओलंपिक खेल जो है एथेंस में हुए थे, एथेंस ग्रीस। और कब हुए थे? तो 1896 में। ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये तो आपको याद ही रखना है कि प्रथम ओलंपिक खेल जो है एथेंस ग्रीस यानी कि 1896 में हुआ था। और कितने तारीख को, ये सब नहीं भी अगर आप याद रखिएगा तो कोई बात नहीं है। वैसे जो है यह खेल जो है 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चला था। और उस समय जो है शीर्ष में जो है अमेरिका थे। कितने पदक के साथ? तो 20 पदक जो है उस समय जो है प्रथम ओलंपिक खेल में अमेरिका जीते हुए थे। और कहाँ पर खेला गया था, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि प्रथम ओलंपिक खेल किस स्टेडियम में खेला गया था। तो अनाथिनाइको स्टेडियम में जो है यह जो है खेला गया था। और यह जो है सिर्फ एथलेटिक्स प्रतियोगिता था उस समय। अब बात कर लेते हैं कि प्रथम बार जो है ओलंपिक में महिलाओं को शामिल कब किया गया। तो प्रथम बार जो है ओलंपिक में कहाँ पर, तो जब पेरिस ओलंपिक जो है हुआ था 1900 ईस्वी में, तब जो है शामिल किया गया था। और उस समय जो है शीर्ष में जो है कौन थे? तो फ्रांस जो है सबसे ज़्यादा पदक जीते थे। कितने पदक? 26 पदक जीते थे। और ब्रिटिश मूल के भारत में जन्मे जो नॉर्मन पिरचाई जो थे, वो ओलंपिक में पदक हासिल करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति बन गए। तो क्वेश्चन अगर बना के पूछेगा कि पहले एशियाई व्यक्ति कौन थे जिसने जो है ओलंपिक में जो है सबसे पहले जो है प्रथम बार जो है मेडल जीते थे, तो आपको याद रखना है कौन? तो ब्रिटिश मूल के भारत में जन्मे नॉर्मन प्रिचार्ड।
कौन? नॉर्मन प्रीचार्ड जो है वो जो है सबसे पहले एशियाई व्यक्ति बने थे। अगर बात करें कि खिलाड़ियों को पदक देने की परंपरा की शुरुआत कब हुई थी, जैसे कि स्वर्ण पदक हुआ, रजत पदक हुआ और कांस्य पदक, तो यह जो है 1904 ईस्वी में, कहाँ पर? तो सेंट लुइस ओलंपिक में जो है खिलाड़ियों को पदक देने की परंपरा की जो है शुरुआत हुई थी। देखिए, एक ओलंपिक ऐसा भी खेला गया था जो कि 6 महीने तक चला था, तो वो कौन सा ओलंपिक था? तो 1908 ईस्वी में लंदन में ओलंपिक हुआ था जो कि 6 महीने से ज़्यादा चला था, लगभग जो है 187 दिन तक जो है यह जो है ओलंपिक खेल जो है वहाँ जो खेला गया था। अगर बात करें कि पहली बार शपथ शांति के प्रतीक के तौर पर कबूतर उड़ाए गए और ओलंपिक ध्वज कहाँ फहराया गया, तो 1920 ईस्वी के एंटवर्प ओलंपिक में जो है वह जो है फहराया गया था ध्वज। अगर पूछे कि पहली बार भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक कब जीता था, तो पहली बार भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में जो है स्वर्ण पदक जो है जीता था। कब हुआ था पेरिस ओलंपिक? तो 1924 ईस्वी में हुए थे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एशिया में प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, तो एशिया में जो है प्रथम ओलंपिक खेल जो है सबसे पहले 1964 में हुए थे। कहाँ पर? तो टोक्यो की राजधानी जापान, जिसे जो है टोक्यो ओलंपिक के नाम से जो है जाना जाता है। फिलहाल हाल फिलहाल में भी जो है टोक्यो ओलंपिक हुआ है, लेकिन कब? 2021 में। लेकिन इससे पहले भी जो है प्रथम ओलंपिक जो है एशिया का जो हुआ था वो जो है टोक्यो ओलंपिक ही हुआ था 1964 ईस्वी में। यहाँ से पता चलता है कि टोक्यो ओलंपिक जो है कितने बार हुए हैं, तो टोक्यो में जो है ओलंपिक जो है 2 बार हुए हैं। ये चीज़ आपको जो है किसी भी करंट अफेयर में देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं पर जो है आपको देखने को मिलेगा, ये आप ध्यान में रखिए। देखिए, अब बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार खेल का टीवी पर प्रसारण कहाँ किया गया था, तो देखिए सबसे पहली बार जो है खेल का टीवी पर प्रसारण जो है 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में जो है किया गया था। और यह जो खेल था, पूछ देगा कि कौन सा खेल था, तो शीतकालीन था। और वहीं अगर पूछ दे कि ओलंपिक खेल जो है कब कब नहीं हुआ है, तो देखिए 3 बार जो है ओलंपिक खेल नहीं हुआ है। कब? तो 1916 ईस्वी में बर्लिन, 1940 ईस्वी में जो कि टोक्यो में होना था वो भी नहीं हुआ, और 1944 ईस्वी जो कि लंदन में होना था वो भी जो है नहीं हुआ। अगर बात करें कि अभी फ़िलहाल भविष्य में होने वाली ओलंपिक खेल जो कि ग्रीष्मकालीन जो भी जो खेल है वो जो है कब और कहाँ और कितने नंबर का खेल होगा, तो देखिए 2024 में जो है ग्रीष्मकालीन जो है ओलंपिक खेल होगा वो जो है फ्रांस के पेरिस में होगा, और यह जो है 33वां होगा। अभी जो फिलहाल हाल फिलहाल में हुआ टोक्यो ओलंपिक वो कितने नंबर का, तो 32वां था। और उसके बाद जो है 2028 में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होगा वो जो है लॉस एंजिल्स यानी कि अमेरिका में होगा, और 34वां नंबर का होगा। और उसके बाद जो है 2032 में जो है ऑस्ट्रेलिया की ब्रिसबेन में जो है 35वां जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल खेला जाएगा। कहाँ पर? तो क्रिकेट स्टेडियम जो है गांवा है वहाँ पर जो है खेला जाएगा। लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना है, इससे पहले 2020 से पहले जो है कहाँ पर जो है ओलंपिक का खेल हुआ था और कितने नंबर का, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पीछे से भी पूछा गया है, तो आपको याद रखना है इससे पहले 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुआ था। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, 31वां नंबर का खेल था। तो यह आपको यहाँ पे 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट है, पहला 2024 का जो कि फ्रांस पेरिस में, और दूसरा जो है 2016 में जो हुआ था रियो डी जेनेरियो में, वो आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं शीतकालीन खेल कहाँ कहाँ होंगे, तो 2022 में जो है चीन में होगा। कहाँ? तो चीन में होगा, और यह जो 24वां नंबर का होगा, और 2026 में जो है इटली में होगा, और यह जो है 25वां नंबर का होगा। 24वां नंबर का जो है ओलंपिक खेल जो है शीतकालीन, उसका शुभंकर क्या है? तो बिंग डेन डेन। क्या है? बिंग डेन डेन। और अब बात कर लेते हैं युवा ओलंपिक खेल की। युवा ओलंपिक खेल जो है 2024 में होगा, जो कि होगा शीतकालीन होगा, और 4था नंबर का यह जो है शीतकालीन खेल होगा। और 2026 में होगा जो कि जो है डकार में होगा, यह जो है 4था ग्रीष्मकालीन जो है खेल होगा। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जो बात थी, ये सभी जो है इसमें जो है 3-4 ही जो फैक्ट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, जो पहली बार जो है ओलंपिक खेल कहाँ हुए,
पहली बार भारतीय हॉकी टीम स्वर्ण पदक कहाँ जीता, एशिया में प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए, भविष्य में कौन कौन से ओलंपिक खेल जो है कहाँ होने वाले हैं, ये जितने भी फैक्ट है आपको पीछे का जो ऐतिहासिक जो है वो जो है देख लेना है। अब बात कर लेते हैं ओरिजिनल जो कि अभी हाल फिलहाल में जो टोक्यो का ओलंपिक हुआ है जो कि जापान में हुआ है। इससे पहले 1964 में भी जो है जापान में हुआ था। अभी जो है 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ है। कौन सा 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ है, किस स्टेडियम में, तो नेशनल स्टेडियम में। टोक्यो को जो है नेशनल स्टेडियम है वहाँ पर। इसका उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन जो है सम्राट नारुहितो, किसने, सम्राट नारुहितो जो है उद्घाटन किया। और मशाल जलाई थी उसमें कौन, तो नाओमी ओसाका। कौन, नाओमी ओसाका, यह जो है खिलाड़ी हैं। देखिए 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है 2020 में ही होना था। कब होना था, तो 24 जुलाई से लेकर 9 अगस्त 2020 के बीच जो है प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना पेंडेमिक होने के कारण जो है यह जो है 2021 में जो है खेला गया। कब खेला गया, तो 23 जुलाई 8 अगस्त 2021, सिर्फ एक दिन घटा दीजिए, एक साल। वहाँ पर 2020 में कब, तो 24 जुलाई से 9 अगस्त तक, लेकिन जो 2021 में जो हुआ 23 जुलाई से 8 अगस्त तक जो है लगभग जो है कितने दिन खेले गए, 17 दिन खेले गए। खेल का जो विषय था वो क्या था, बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी तक हालांकि पूछा नहीं गया है। यूनाइटेड बाय इमोशन, अगर पूछ देगा इसका थीम क्या था विषय, तो यूनाइटेड बाय इमोशन। अगर हम आदर्श वाक की बात करें तो पहले से जो है फास्टर हायर और स्ट्रेंगर था। क्या था, फास्टर हायर स्ट्रोंगर जो इसका आदर्श वाक था, लेकिन इस बार जो है इसमें जो टुगेदर जोड़ा गया, तो आपको याद रखना है फास्टर हायर स्ट्रोंगर और टुगेदर। अगर लैटिन में बोले तो लिखा हुआ है सिटियस एल्टियस फोर्टियस और कम्युनिटियर्स। अगर शुभंकर की बात करें तो इसका शुभंकर था मिराई टोबा। मिराई टोबा जो है एक क्या है, जापानी शब्द है। और इस मिराई टोबा का जो चित्र जो था वो जो नीले रंग से जो है इसे जो है दर्शाया गया था, यानी कि दिखाया गया था शुभंकर का। देखिए आपको लग रहा होगा कि बहुत ही लेंदी जा रहा है, लेकिन यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इसी से आएंगे। ये टॉपिक तो आपको छोड़ना ही नहीं है, यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित है, देखिएगा। देखिए अब बात कर लेते हैं पदक तालिका 2000 ओलंपिक। यहाँ से बीपीएससी जो है 2 से 3 बार जो क्वेश्चन पूछा गया है ये तालिका आपको रटना ही है, रट लेना है। फर्स्ट रैंक पर कौन आया है, तो अमेरिका, कितना स्वर्ण पदक, 39 स्वर्ण पदक, 41 रजत पदक, 33 कांस्य पदक, और कुल जो है अमेरिका जो है 113 पदक जो है जीते हैं। देखिए आपको याद रखना है जिसका स्वर्ण पदक ज़्यादा होगा वही जो है रैंकिंग में सबसे ऊंचा होगा, सबसे ज़्यादा होगा। भारत का स्थान इसमें जो है 48वां आया है, और भारत ने जो कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीते हैं, रजत पदक 2 और कांस्य पदक 4, और टोटल जो है 7 पदक जो है भारत जीते हैं। आपको इसी वे में याद रखना है जैसे जो है हम पदक तालिका में दर्शाए हैं, क्योंकि इसी टाइप से जो आपका जो है ऑप्शन रहेगा, जितने बार भी जो क्वेश्चन पूछे गए बीपीएससी में इसी पैटर्न पर जो है पूछा गया है, तो आपको ऐसे याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कि हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, क्यों, क्योंकि हॉकी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जो है हॉकी में जो है भारत जो है जीता है। तो आपको याद रखना है पुरुष हॉकी टीम के कप्तान जो है मनप्रीत सिंह थे। कौन, मनप्रीत सिंह थे। और महिला हॉकी टीम के कप्तान जो है रानी रामपाल थे। हालांकि ये चौथे स्थान पर रहे महिला हॉकी टीम, लेकिन बहुत ही जो है उत्साहजनक जो है इन्होंने जो है खेल खेला था। देखिए इस बार जो है भारत जो है अपना जो आधिकारिक थीम सॉन्ग जो है लक्ष्य है तेरे सामने जो है गाया था, और इसके गायक कौन थे, तो मोहित चौहान थे। अगर बात करें कि टोक्यो ओलंपिक चीयर सॉन्ग जो कि हिंदुस्तानी वे थे, इसको कौन गाया, तो एआर रहमान। आपको कंफ्यूज नहीं करना, आधिकारिक थीम सॉन्ग अलग हो गया, टोक्यो ओलंपिक चीयर सॉन्ग जो है यह जो है अलग हो गया। अगर बात करें कि मार्च पास्ट में भारत का स्थान जो है कितना था, देखिए मार्च पास्ट जो हुआ था उद्घाटन के समय, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन के समय, तो मार्च पास्ट में भी जितने भी देश थे उनको जो है वर्णमाला के अनुसार जो है उसे जो है रखा गया था। तो भारत का स्थान जापान के वर्णमाला के अनुसार, तो भारत का स्थान जो है 31वां जो है आया था। तो फर्स्ट स्थान पर कौन था, तो यूनान था, और लास्ट स्थान पर मार्च पास्ट में जापान था, 206वां नंबर। क्यों, क्योंकि इस खेल में जो है टोक्यो ओलंपिक में जो है 206 देश जो है भाग लिए थे, तो इसलिए लास्ट में जो है जापान जो है
206वां स्थान पर आ गया। अगर बात करें कि पुरुष ध्वजवाहक कौन थे, तो मनप्रीत सिंह जो कि भारतीय टीम के कप्तान वो थे, और महिला ध्वजवाहक जो थे वो कौन थे, तो MC मैरी कॉम जो है वे थे। देखिए आपको लग रहा होगा कि बहुत ही जो है भाष्ट में जा रहा है, लेकिन भाष्ट में जाना ही पड़ेगा, आखिर इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना है, और कोई हम फालतू नहीं बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन आएगा ही, तो क्यों ना हम इसे अच्छा से कवर करें। ज़्यादा टॉपिक हम ना देखें, लेकिन एक निश्चित जो है मिनिमम कंटेंट है जो भी टॉपिक है उसको अगर हम देख लेंगे तो अच्छा है। तो देखिए भारतीय दल जो है उसके प्रमुख जो है किसे बनाया गया था, तो वीरेंद्र प्रसाद वैश्य को जो है भारतीय दल का जो है प्रमुख बनाया गया था। कुल जो है इस बार 228 सदस्य वाला था दल, और इसमें जो है कुल जो है 127 जो है एथलीट थे, और इसमें जो 71 पुरुष थे और 56 जो है महिला थी। अगर बात करें कि भारत कितने खेल खेले, कितने में भाग लिए, तो भारत जो है 33 खेल में से 18 खेल में जो है भाग लिया था। कुल जो है 339 स्पर्धा में से 69 स्पर्धा में ही जो है भारत ने भाग लिया था, सभी में भाग नहीं लिया था, सिर्फ 69 स्पर्धा में भारत ने भाग लिया था। अगर बात करें कि टोक्यो ओलंपिक में जो है कौन सा 4 नए खेल जोड़े गए, तो कराटा, स्केटबोर्ड, सर्फिंग स्पोर्ट और क्लाइंबिंग जो है ये जो है 4 खेल जो है जोड़े गए। देखिए समापन समारोह जो है जब हुआ उस समय जो भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे, तो बजरंग पुनिया थे। बजरंग पुनिया जो है हरियाणा से आते हैं। और अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन थे, तो थॉमस बॉक। और ओलंपिक आयोजन समिति के प्रमुख कौन थे, तो सीको हाशिमोतो। वहीं अगर बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी, तो लॉरेल हार्डवर्ड जो कि न्यूजीलैंड की है, और 87 किलोग्राम वर्ग भारोत्तोलन में जो इन्होंने जो है भाग लिया था। इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें लग गया है पहले, प्रथम लग गया है, और प्रथम से एक क्वेश्चन निश्चित है, तो कौन सा क्वेश्चन आएगा प्रथम से रिलेटेड, ये जो है अनिश्चित है। इसलिए जो है आपको प्रथम जहाँ भी देखने को मिलेगा आप उसे रट लीजिए। अब देखिए व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन है, सबसे युवा खिलाड़ी जो है मोमीजी निशिया जो कि जापान की है। कितने वर्ष की है वो जो सबसे युवा खिलाड़ी है, मतलब कि 13 वर्ष 330 दिन की ही है। कि टोक्यो ओलंपिक में जो है अपना पहला पदक जो है कौन जीता था, ओलंपिक खेल में अपना पहला पदक जो है कौन सा देश जीता, तो बरमूडा और फिलीपींस जो है इस ओलंपिक में जो है टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक जीता है। इससे पहले कोई भी पदक वो नहीं जीता था, पहला पदक जीता है। अगर बात करें चीन से 2020 का पहला स्वर्ण पदक कौन जीता किस खेल में, तो चीन से जो है 2020 का पहला स्वर्ण पदक जो है निशानेबाजी में जो है जीता है। और एक ओलंपिक में 7 स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला तैराक बन गई है कौन, मैक कियन। ये भी जो है इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो प्रथम लग गया, और प्रथम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप देखिए आप उसको रट लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, हालांकि ये जो खेल से भी रिलेटेड है, लेकिन जो पुरस्कार जो है इसमें जो मिक्स हो गया है कि टोक्यो ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार जो किसे मिला है, तो यह जो है 2006 के शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता मुहम्मद यूनिस जो कि बांग्लादेश के हैं, उसे जो है टोक्यो ओलंपिक लॉरेंस पुरस्कार से जो है नवाजा गया। अगर बात करें कि पहली बार जो है महिला खिलाड़ियों की संख्या जो कितनी रही, तो लगभग जो पुरुष के बराबर थी, कितनी, तो 48.8% जो महिलाएँ भी जो इस बार शामिल हुई थी। और उत्तर कोरिया जो है टोक्यो में भाग नहीं लेने की जो है घोषणा कर दी, क्यों कर दी, क्योंकि कोविड के कारण जो है उन्होंने जो है भाग नहीं लिया। अभी हम बात किए कि चीयर फॉर सॉन्ग जो है AR रहमान जो है गाया, लेकिन अगर बात करें कि हैशटैग चीयर फॉर इंडिया अभियान शुरुआत की गई मोदी जी द्वारा, वो क्यों किया गया, तो एथलीटों को प्रोत्साहन देने के लिए जो है यह जो अभियान जो है लॉन्च किया गया। और टोक्यो ओलंपिक खेलों में सबसे पहला पदक किसने जीता, टोक्यो ओलंपिक का जो शुरुआत हुआ तो सर्वप्रथम जो है स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक, कोई एक खेल में तो कोई तो पहले जीता होगा, तो वही पूछ रहा है कि स्वर्ण पदक कौन जीता, तो देखिए चीन का जो है सबसे पहले जो है स्वर्ण पदक जीता कियान यांग 10 मीटर एयर राइफल में, और रजत पदक जो है अनास्टासिया जो कि रूस की, और कांस्य पदक जो है नीना क्रिस्टीन स्विट्जरलैंड की, तो आपको यह भी याद रखना है। देखिए जितने भी वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन थे इस खेल से रिलेटेड सभी जो है अभी हो गए। अब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो पूछने की पूर्णतः जो है संभावना है, क्यों, क्योंकि भारत का प्रदर्शन यहीं से है,
भारत के जितने भी खिलाड़ी जीते हैं, किस खेल में, कितने किलोग्राम वर्ग में, ये सभी फैक्ट जो है आपको यहाँ पर जो है भारत से रिलेटेड जो है देखने को मिलेंगे। 7 जो पदक जीते हैं, तो सबसे पहले जो है टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन करते हुए मीराबाई चानू ने जो है रजत पदक जीता। कितने वर्गभार में? तो 49 किलोग्राम वर्गभार में भार उठाया था, जिसे जो भारोत्तोलक कहते हैं। और यह जो मीराबाई चानू जो है कहाँ की है, तो मणिपुर की रहने वाली है। और यह जो है रजत पदक जो है इन्होंने जो जीती है, वो 21 वर्ष बाद जो है इस खेल में जो भारत को जो इन्होंने जो है दिलाया है। इससे पहले जो 21 वर्ष पूर्व जो है अटलांटा ओलंपिक 2020 में आंध्र प्रदेश के कर्णम मल्लेश्वरी ने जो है 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था, और वह जो है प्रथम भारतीय महिला थी भारोत्तोलक में जीतने वाली भारत की। तो आपको यहाँ पे 3 फैक्ट याद रखना है, मीराबाई चानू, रजत पदक, 49 किलोग्राम वर्ग भारोत्तोलक में कहाँ की है, तो मणिपुर की। इतने फैक्ट जो आपको याद रखना है। अब बात कर लेते पी वी सिंधु की। तो देखिए पी वी सिंधु जो है बैडमिंटन में जो है बैडमिंटन के सिंगल स्पर्धा में जो है कांस्य पदक जीता था, और यह कहाँ की रहने वाली है, तो आंध्र प्रदेश की है। और इससे पहले भी वह जो है जीत चुकी है। अब तो 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था, वहाँ पर जो उन्होंने जो है रजत पदक, अभी जो है कांस्य पदक, उससे निचला पदक जीता है। लेकिन पहले जो 2016 में जो है रजत पदक जीता था, और वह जो है प्रथम भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थी इस खेल में जीतने वाली। तो बात करें तो पीवी सिंधु जो है लगातार जो है 2 बार जो है जीती है। तो आपको याद रखना है पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश की है, कांस्य पदक जीता है कहाँ पे, तो बैडमिंटन सिंगल्स में। बात कर लेते हैं तीसरा खिलाड़ी लवलीना बोरगोहेन। तो यह जो असम की रहने वाली है, कांस्य पदक जीती है। कितने किलोग्राम वर्ग में? तो 64 से 69 किलोग्राम वर्ग में। कौन सा खेल था? तो मुक्केबाजी था। और यह जो तीसरी भारतीय मुक्केबाज बन गई है, इससे पहले जो 2008 में जो है विजेंदर सिंह जो है 75 किलोग्राम वर्ग में जो कांस्य पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बने थे। कौन बने थे? तो विजेंद्र सिंह। और 2012 में जो कांस्य पदक एमसी मैरी कॉम ने जो है 51 किलोग्राम वर्ग में जो है जीता था। इस बार जो है एमसी मैरी कॉम जो है नहीं जीत पाई। अब देखिए चौथा है भारतीय पुरुष हॉकी टीम। बहुत वर्षों के बाद, लगभग 41 वर्षों के बाद जो है पुरुष हॉकी टीम जो है यह जो है जीता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। पुरुष भारतीय हॉकी टीम जो है कांस्य पदक जीता है। अगर बात करें भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन थे, तो ग्राहम रीड थे। कौन थे? ग्राहम रीड थे। इससे पहले 1980 में जो है स्वर्ण पदक जीता था। और अभी अगर टोटल की बात करें, तो 12 बार जो है पुरुष हॉकी टीम ने जो है पदक जो है जीता है। अब बात कर लेते हैं पांचवी खिलाड़ी रवि दहिया। तो रवि दहिया जो है हरियाणा की है, और इन्होंने जो है रजत पदक जीता है। कितने किलोग्राम वर्ग में? तो 57 किलोग्राम वर्ग में कुश्ती के खेल में। और यह जो है दूसरे भारतीय पहलवान बन चुके हैं रजत पदक जीतने वाले। इससे पहले जो है सुशील कुमार जो है कांस्य जीता हुआ था 2008 में, और 2012 में जो रजत पदक जो है जीता। लेकिन सुशील कुमार जो इस बार जो है जेल में होने के कारण जो है यह जो है ओलंपिक खेल जो है नहीं खेल पाए। अब लगता है शायद भविष्य में जो है ये नहीं खेल पाएंगे। अब देखिए छठा नंबर के खिलाड़ी है बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया जो है हरियाणा की, और यह जो है कांस्य पदक जीता है। कितने किलोग्राम वर्ग में? 63 किलोग्राम वर्ग में, और कुश्ती में। किसको हराकर? तो कजाकिस्तान के दौलत नियाजे बेको को हराकर। तो आपको यहाँ पर भी 3 फैक्ट याद रखना है, 4 फैक्ट। बजरंग पूनिया हरियाणा की है, कांस्य पदक कुश्ती में 65 kg। और 7वां जो है जो कि इम्पोर्टेंट बन सकता है, नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा जो है हरियाणा स्वर्ण पदक। कितने मीटर भाला फेंक में? तो 87.58। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 87.58 भाला फेंक में। और यह जो है ट्रैक और फील्ड में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले जो प्रथम भारतीय जो है बन गए। इससे पहले जो 2008 के बीजिंग में जो है सबसे पहले जो स्वर्ण पदक भारत को मिला था, वह जो है 2008 में ही जो है भारत को सबसे पहले स्वर्ण पदक जो निशानेबाज में मिली थी 10 मीटर एयर राइफल में। लेकिन अब जो है दूसरी बार जो स्वर्ण पदक भारत को मिल चुका है नीरज चोपड़ा के द्वारा। किस खेल में? तो जेवलिन थ्रो भाला फेंक में। और इसी के सम्मान में जो है, नीरज के सम्मान में आपको याद रखना है दिवस की बात करें, क्योंकि दिवस से भी एक क्वेश्चन आता है। तो 7 अगस्त को जो है भाला फेंक जो है दिवस जो है अब मनेगा इसके सम्मान में। अगर बात करें कि नीरज चोपड़ा जो है फौज में है, तो वह जो है कौन से यूनिट में है? तो नीरज चोपड़ा जो राजपूताना राइफल्स यूनिट में जो सूबेदार के पद पर जो है अभी। अब अगर बात करें इनाम की घोषणा की, तो BCCI ने स्वर्ण पदक जीतने वाले को 1 करोड़ रुपये
से सम्मानित किया और रजत पदक वाले को 50 लाख, कांस्य पदक वाले को 25 लाख और हॉकी टीम को 1 करोड़ 25 लाख से जो है नवाजा है। तो ये जो टॉपिक था टोक्यो ओलंपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट था टॉपिक, और यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा आप उसको रट के जाइएगा, जैसे भी हो रटने वाला चीज़ है करंट अफेयर, फिर ये दोबारा नहीं आएगा, इसलिए आप इसे रट लीजिएगा और एग्ज़ाम जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको 67वीं बीपीएससी से रिलेटेड वीडियो देखना है, साइंस हिस्ट्री और पॉलिटी का वीडियो जो है प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, आप जाकर देखिए। एक टॉपिक के जो 3 वीडियो बनाए गए, उसमें टेस्ट है, फिर टेस्ट का जो डिस्कशन है और क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, वो जो है कौन से टॉपिक में किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है, ये चीज़ें जो है बहुत अच्छी तरह से जो है बताया गया है। आप जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशन जो है हमेशा आते रहे, और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।